हिटलर जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार टाइम हो रहा है तकरीबन 2:38 और मैं के लिए लेके आया हूँ सॉफ्ट फूड। यार इसमें बहुत सारी मकाई, रोटियां, आलू के छिलके, ये हम अपने ओए तुमने नहीं खाने रैबिट्स के हैं तो बाओ। यार खाने की चीज नहीं, आलू का छिलका है यार। एक तो है आलू, ऊपर उसका भी छिलका है। वो देखे ओ जंग छिड़ गई यार इनकी। ये एक तो आलू और ऊपर से उसका भी छिलका, उसके पीछे इतने लड़े ये पीछे पर तो एक दूसरे को मारने पर उतर आएंगे। तो यार गाइस यहाँ पर ना मैं आम लाया हूँ, ये आम की गुठली है और ये आम है, ये अपने यार हमने ना रॉ पैरेट को खिलाना है। यार गाइस कल ना इसने मुझे पैसे ये से कह रहा था कि यार बाहर जाना तो मेरे लिए आम लेते आना, 1 किलो इसने मंगवाया था। तो यार मैं इसके लिए ना 1 किलो आम ले आया हूँ। चलो भाई 1 किलो आम, बाकी जो वजन था ना वो मैंने खा लिया, बाकी ये पूरा आम है। तो यार ये ना पहले अपने सबसे बड़े बजीज को डालते हैं, क्योंकि यार वो सारा जो यार नीचे बैठे हुए हैं। तो यार जो बजीज सारे हैं ना यार यार इनकी ब्रांड है, तो यार पहले पेरेंट्स को देनी चाहिए चीज, फिर बच्चों को देनी चाहिए। तो यार पहले इन्हें डालते हैं आज। वैसे यार ये करूँ ना मैं आज ही लाके करना, वरना हमेशा ना पहले मैं उनको डालते रह गया और फिर इधर आता था। आज मुझे ख्याल है कि यार पहले पेरेंट्स को देनी चाहिए, बेचारे नाराज होते हुए कि देखो यार हमारे बच्चों को पहले मिल गई और हमें नहीं दे रही है। ये सारे यहाँ पर आए हुए कि उनको डालेगा, थोड़ी सी नीचे गिरेगी और हम खाएंगे। नहीं अंदर नहीं जाओ, अंदर ना जाओ, अंदर ना यार। गाइस अंदर जाते ना हमारे बजीज के यार बच्चा निकला हुआ है छोटा सा, उसके ऊपर हमला कर देते हैं ये सारे, तुम भागो यहाँ से। तो यार इनको डाल देते हैं यहाँ पर रोटी और इसके अलावा मकाई। और नहीं 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 घुस गए अंदर यार। अब गाइस अंदर जाकर इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैं निकालूंगा तो वहां पर भाग जाएंगे, जैसे कि भाग गए हैं ये। तो यार ये रोटी और मकाई इनको डाल दिया, बाकी हम उधर ऊपर बजीज के में लेके दें। तो यार काफी सारे अंदर चले गए, तो यार ये ठीक है अंदर ही ठहरे रहे, अभी मैं अंदर जाऊंगा ना फिर इनको निकाल लेंगे हम। चलो भाई आज जो सॉफ्ट फूड लाए हैं तुम्हारे लिए, तो यार आज गर्मी जाते यार इनको अपने पास नहीं बुलाते, बल्कि इनकी प्लेट में डाल देते हैं, खुद ही खा लेंगे, कॉकटेल भी खा लेगा, सारे खा लेंगे, आज इनको बुलाते नहीं है यार। यहाँ पर मैंने 2 तोते ठहराए हैं अपने इस पिंजरे में, यहाँ पर ये देखना आप 2 तोते अलग ठहरे हैं, यहाँ पर इनका खुराक और यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है। तो यार गाइस ये मेरे तोते नहीं है, यानी कि हैं तो मेरे तोते गाइस मुझे मिले हैं गिफ्ट। यार ये दोनों ना मेल थे एक भाई के पास, उन्होंने कहा कि यार ये मेरे पास दोनों मेल ठहरे हुए हैं, फीमेल्स तो मेरी थी वो मर गई, तो ये आप ले लो। तो यार उन्होंने यार मुझे दे दिए थे। अब मैंने यार इनको 2 दिन ना अलग ठहराया, ताकि इनमें कोई भी अगर यानी कि बाहर से एक परिंदा आता ना यार। हाँ यार गाइस इस चीज़ का आपने भी ख्याल रखना होता है, अगर आपके पास यानी कि कहीं भाई से कोई परिंदा आता है और आपके पास पहले से परिंदा है, तो आपने फौरन ही ये नहीं करना कि यार बजी आया तो बजी के अंदर फौरन छोड़ दे, क्योंकि यार जो बाहर से परिंदा आता है ना एक ऐसे समझे वो कोरोना लेके आता है। हो सकता है कि उसको कोई बीमारी हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से आपके यार तमाम पैरेट बीमार होते थे। तो यार मैंने इनको 3 दिन अलग ठहराया और आज मैं इनको आप खोल रहा हूँ अपने तमाम पैरेट के अंदर। हालांकि बिल्कुल ओके थे ये, कोई नहीं बीमारी नहीं थी, फिर भी यार अलग ठहराना चाहिए, फायदा होता है। खैर यार ये प्लेट ये ना समझिएगा कि मैं इनके लिए रख रहा हूँ, ये मैंने पूरी प्लेट बनाई है, देखे फुल है ना यार ये एक प्लेट। खैर मैं तो एक प्लेट इतनी हो चावलों की इस मकाई की ना हो एक एक टाइम में खत्म कर जाता हूँ। तो लेकिन यार इनके लिए ना ये 24 घंटे का खाना है, 24 घंटे का बाजरा इनके लिए पड़ा होता है, अगर इनको भूख लगेगी तो ये खा लेंगे, अदरवाइज वैसे यार ये इसी से ही पेट भरते हैं अपना। तो यार ये मैंने यहाँ पर रख दिया, रोटी भी डाल दिया इनको, अब ये कॉकटेल से शोकटेल बजरी शजरी सारे खा लेंगे यार। यार गाइस मैं ढाब को रोटी के टुकड़े करके देता हूँ ना हर बार, आप भी देखते हैं यार छोटे छोटे टुकड़े करके दे देता हूँ, ये खा लेते हैं। आज मैंने पता क्या किया यार, यार आज ना मैंने एक नया एक्सपीरियंस किया, वो यार ये कि मैंने रोटी को ना इसके पानी के अंदर कर लिया गीला, ठीक है, और गीला करके ना कुछ देर ठहरा रखा और फिर रख दिया। अब उन रोटी हो गया नरम और ये देखे कितने आराम से बैठ के खा रही है यार। यार गाइस पता क्या हुआ, रोटी हो गई गीली, अब वो आराम से इनके इनसे टूटती जा रही है, क्योंकि यार इसकी चोंच होती है ना तोते की तरह होती है, तोता तो होता है ना हर चीज़ खा जाता है। ये देखे ना अब जैसे कोकटेल है, इसकी चोंच होती है इस तरीके से, ये कुछ कोई भी चीज़ हो ना खुद तोड़ के कुछ कर लेते हैं, चढ़ भी लेते हैं, लेकिन जो डब होती है ना इसकी चोंच यार नोकीली होती है, तो ये ना उस तरह का नहीं खा सकते, तो इसे टुकड़े करके देने पड़ते हैं। लेकिन मैंने गीला करके दिया, आराम से खाती जा रही है यार अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ऐसे ही दिया करूंगा। यार गाइस ये अच्छा हो गया यार, मेरा बहुत सारा काम बच गया, फिंचिस का तो मेरा काम बचा पड़ा था, वो तो मैं ऊपर डाल देता था, नीचे बजीज टुकड़े करके देते थे, मेरी मेहनत बजीज बचा देते थे। यहाँ पर अब मैंने ये गीली करके दे दूंगा, ये खुद अपनी मर्जी से उसे तोड़ेंगे, अपनी मर्जी से खाएंगे। तो यार गाइस ये हैं यार वो तोते, देखे दोनों प्यारे हैं ना यार। गाइस इनकी तकरीबन एज ना 1 ईयर है, तो यार इनको अब मैंने खोल दिया, ये खुद बखुद यहाँ से निकाल आएंगे। इसके अलावा मकाई भी इन्हें थोड़ी सी डाल दिया, अगर बाहर नहीं निकलते तो यार अब ये ना इनके साथ बस इनकी ना दोस्ती लगनी है, बाकी यार अल्हम्दुलिल्लाह ओके हैं दोनों पैरेट। रैबिट्स को यार बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पहले मैं समझता था यार रैबिट ना बड़ी सख्त जान परिंदे है, इसको गर्मी नहीं लगती। ओहो कॉकटेल को देखे यार, वो देखे रैबिट के ऊपर जो कुछ पड़ा हुआ ना आराम से वो देखिए, उसको ना अपना सीढ़ी बना रखी है इसने, आराम से उसके ऊपर चढ़ के इधर चली गई है यार। तो यार वैसे ना बड़ी गर्मी लगती है, ये देखना पानी के बर्तन के साथ चिपके हुए। इधर से एक रैबिट है, ये भी यहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन मेरे पैर के नीचे था ना, मैंने से टांग मारी है, फिर ये वहां पर चला गया यार। ओए तुम कब अंदर आए हो यार, गाइस चूजे अंदर आए हो मैं यार।
वो देखें, एक वहां पर आए हुए, एक वहां पर गए हुए, कुछ तो बजीज के अंदर उस टाइम घुस गए थे ना, बाकी यहाँ पर आए हुए हैं। यार मेरे सारे बजीज इस टाइम साफ खा रहे हैं, ये देखें अभी वैसे कुछ नहीं खा रहे क्योंकि कुछ अभी नीचे बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल में बाकी जो है ना ये देखें बर्तन के ऊपर बैठे हुए हैं। अलहमदुलिल्लाह यार साफ फूड खा रहे हैं, डब भी मेरी सारी साफ फूड खा रही है, इसके अलावा रापर को भी मैं डाल रहा हूँ, चूजे भी खा रहे हैं, सारे ना इस टाइम ना खाने में मसरूफ है क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, इस टाइम भूख भी लग रही होती है और इन्हें दिल कर रहा था कि यार कोई ठंडी चीज़ खाए, जैसे हम दोपहर को बैठे थे ना कि यार शरबत मिल जाए कहीं से या किसी जगह से यार ठंडी ठंडी बोतल मिल जाए इस टाइम, ये जो गर्मी का टाइम होता है, तो यार इनको मैं इस टाइम साफ फूड डालता हूँ बड़े शौक से यार ये खाते हैं। हाँ यार गाइस पता क्या हुआ यार, चाबी धूप में पड़ी रह गई और इतनी गर्म हुई पड़ी है ना, जैसे मैंने यार तवे के ऊपर रख के निकाला पिंजरा ही नहीं खोल पा रहा यार, मेरे से खोलता हूँ ये देखिए इतनी गर्म है ना जो चाबी को हाथ नहीं लगाया जा रहा यार, बड़ी गर्मी है यार, बल्कि अब इसको यहाँ पानी रखते वरना ताला भी ना, इतनी तो मैंने यार आज तक गर्म रोटी नहीं खाई जितना इसको हाथ लगाना पड़ गया मुझे। यार गाइस खुशी की बात यार, हमारे पिजन के बच्चे की दोस्ती, पिजन नहीं यार हमारी लैला और मजनू के बच्चे की दोस्ती यार इनके हमारे मुर्गियों से हो गई है, वरना यार उस दिन तो उसके भाई को इसने उन्होंने मार दिया था, इनकी यानी कि बच्चों की दोस्ती नहीं थी, मेल और फीमेल की दोस्ती थी। और गाइस इसके पैरों पर बॉल है यार, बड़ा प्यारा है ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है यार पैरों पर, इसके बाल मेरे ख्याल में फीमेल के नहीं है, हाँ देखे ना उसके घुटनों तक आ रहे हैं और इसके वो पैरों तक जा रहे हैं बाल, बड़े प्यारे हो यार तुम तो यार ये अच्छा हो गया। यार गाइस पता क्या था यार, हम लैला और मजनू के बच्चों की दोस्ती ना इनके साथ नहीं थी और यार के मुर्गे ने उसे मारा था और मुर्गी ने भी मारा था, जिसकी वजह से हमारा एक बच्चा एक्सपायर हो गया था, अब जो दूसरा बच्चा था ना उसकी यार दोस्ती अलहमदुलिल्लाह बन गई। अब देखें हमारी मुर्गी बैठा रही है, मुर्गा बैठा रहा होगा और लैला भी बैठी हुई है नीचे और इसके अलावा बच्चा बैठा रहा हुआ है, लेकिन वो बच्चे को कुछ भी नहीं कह रहा, तो यार ये अच्छा हो गया, वैसे बच्चा उड़ भी लेता है अगर वो कभी गुस्सा आ भी गया ना हमारे मुर्गे को तो वो ऐसे करेगा तो ये उड़ जाएगा आराम से, फिर ऊपर से बैठ के चिढ़ाएगा उसे। तो यार इसके बच्चे यार अभी तक नहीं निकले, मुझे लगता है कि यार इसके अंडे ना खराब हो गए हैं इस बार दोबारा, हैं खराब हो गया तुम्हारे अंडे, तो यार ऐसे करते हैं कोई ना ढंडी वगैरह मैंने रखी हुई थी, हाँ ये देखना यहाँ पर पड़ी हुई है, तो यार इसको चेक करते हैं बच्चे क्यों नहीं निकाल रहे तुम्हारे हैं, वो देखे ना यार यार मुझे लगता है इसके अंडे खराब हो गए, वो देखें दोनों अंडे पड़े होंगे इसके नीचे, हटो तो सही अंडे तो देखने दो, तुम तो नहीं मारते ना मुझे, तुम्हारी और मेरी तो दोस्ती है ना बहुत पक्की, हम कब हमने FS इकट्ठी की थी याद नहीं है तुम्हें, भूल गए हो, ओ यार तुम फ्रंट डेस्क पर बैठते थे मैं दूसरे पर बैठता था याद नहीं है, एक बार तुम टीचर के लिए बिरयानी भी ले आए थे याद करो, याद आ रहा है, शाबाश यार आ गया गाइस इसको याद, अब ये अपने अंडे मुझे दिखा देगा, ये मेरा दोस्त है यार FSC का दोस्त है मेरा है ना, ओ यार क्यों नाक खराब करते हो, हटो ओए हटो अंडे देखना यार, देखे कुछ भी नहीं कहता लेकिन अंडे नहीं दिखा रहा यार, बाल यार मैंने देखा दो अंडे पड़े हुए हैं इसके अंदर, अगर बच्चा निकला तो एक अंडा पड़ा होता एक अंडा ना होता, अब ये देखे यार ये इसके डरने की निशानी होती है, देख रहे हैं आप इसके पर टुक 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 टुक, गाइस जब भी पिजन डरता है ना मैंने इसको भी और फीमेल को भी ये जज किया कि जब भी ये दोनों डरते हैं ना तो यार इनके बिल्कुल ना ऐसे कैसे पानी ला रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि यार ये डर रहे हैं, आम को खाता देखें यार गाइस, इसने पूरी वो जो मैंने गुठली डाली थी ना पहले आम की वो देखें इसने वो तो पूरी खा लिया और अभी तक इन्होंने आम को नहीं छीले, इन्होंने कहा यार ये फ्रेश आम है इसे ना कल खाएंगे, और नीचे डाकू को खाता देखे आराम से उल्टा लटका हुआ, उसको कोई भी टेंशन नहीं कि यार मैं उल्टा बैठा हूँ सीधा बैठा हूँ, नहीं खाता जा रहा है खाता जा रहा है, और बाकियों को देखें ये दोनों मकाई खा रहे हैं, ये जनाब जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये किसी और काम में मसरूफ है, ये लगता है मुझे किसी से फ़ोन कॉल कर रहे हैं ठीक है, और ये खा रहे हैं आम, हर किसी की अपनी पसंद होती है, जैसे आप मुझे केले का छिलका पसंद, नहीं यार सॉरी यार केला पसंद है, केले का छिलका मेरे रैबिट्स को पसंद है, इसलिए यार गर्मी बहुत ज़्यादा है आज के वीडियो कहीं पर करते हैं, और मिलते हैं यार आप सोचते होंगे कि यार मैं सुबह या शाम को ब्लॉग क्यों नहीं बना लेता, इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो यार इसलिए कि यार मैं कहता हूँ अच्छा अभी बना लो शाम को, यार मैं मसरूफ हूँ और यार आपका ना ब्लॉग कर लेना छुट्टी ना हो जाए, तो इसलिए यार मैं इस टाइम हो जाता हूँ, सुबह हमारे कॉलेज जाना होता है, तो ठीक है आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं, आओ यार मैंने आपको चुन्नू तो दिखाया नहीं आज, ये रही यार चुन्नू की टांगी और ये रही यार चुन्नू के घुटने और यार ये रही चुन्नू की कमर और ये रही चुन्नू की गर्दन और ये है हमारा चुन्नू, यार इसकी माशाल्लाह गर्दन चेक करेगा इसकी इतनी लंबी हो गई और टांगे भी इतनी लंबी, ऊपर से सिर्फ इतना सा है, वैसे गर्द मैंने एक चीज़ देखी ये जो असील होते हैं ना इनको खाने का मजा नहीं आता क्योंकि इनमें गोश्त होता ही नहीं है यार, इतनी लंबी लंबी टांगे होती हैं जो कि वो काट के यूँ फेंक देता है, इतनी लंबी इनकी गर्दन होती है वो जो काट के यूँ फेंक देते हैं, बाकी इनमें सिर्फ इतना सा गोश्त बचता है क्योंकि यार ये जो बिकते हैं ना ये अपनी टांगों की बेस पर और अपनी गर्दन की बेस पर बिकते हैं, और लेकिन इनकी सिर्फ गर्दन और टांगे ही होते हैं जिसकी बेस पर जो ना ये काफ़ी महंगे बिकते हैं, शौक शौक की बात है यार, बहरहाल इनके मैंने गोश्त नहीं होता यार मुझे गोश्त चाहिए, उसके लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई ना जैसे मैंने रैबिट रखे हुए हैं बहुत सारा गोश्त होता है इनमें, तो ठीक है आज के लोगों को यहीं पर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।